खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। लॉकडाउन में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा, पुलिस पहुंची तो मच गई भागदौड़। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला जो कि लेटेस्ट हमारे सामने आ रहा है पूना से। पूरी अपडेट के लिए मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्या आप लोगों को लगता है कि लोग एक्चुअली में लॉकडाउन से काफी ज्यादा तंग हो चुके हैं? सरकार को लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, सरकार को बोलना चाहिए कि आप अपने काम जरूर कीजिए। आपका क्या विचार है लॉकडाउन को लेके, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना काल जो है हर जगह पर छाया हुआ है। इस दौरान ही महाराष्ट्र में काफी सारे केसेस जो है वो लगातार आ रहे हैं और वहां पर लॉकडाउन भी लगाया गया है और लोगों को घर के अंदर रहने के लिए नसीहत भी दी जा रही है। सैनिटाइज कीजिए अपने हाथ, मास्क लगाइए और ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस पे मत जाइए। शादी के लिए अलग रूल बनाए गए हैं, लोगों के लिए अलग रूल बनाए गए हैं, दूध सब्जियों के लिए अलग रूल बनाए गए हैं। उसी दौरान ही पूना से हमारे सामने एक बहुत ही दिल दहलाने वाला मामला आ रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि नितेश उर्फ दिलीप नाम का एक व्यक्ति जो है वो एक्चुअली में लेबिड फार्म हाउस पे नजदीक ही वो एक्चुअली में एक पार्टी उसने ऑर्गेनाइज की और वहां पर काफी सारे अयाश लोगों को बुलाया और वहां पर डांस और म्यूजिक और जो कि अंग्रेजी शराब है उसकी भी व्यवस्था की और 6 लड़कियों को वहां पर बुलाया गया था और काफी सारे लोग भी वहां पर आए थे और वहां पर पैसा उड़ रहा था, लड़कियां डांस कर रही थी, म्यूजिक चल रहा था, जिसके कारण पड़ोसी जो है वो काफी ज्यादा तंग हो गए और एक पड़ोसी ने पुलिस को खबर दे दी कि फार्म हाउस में पार्टी चल रही है। उस दौरान ही जब मौके पर पुलिस पहुंची तब वो वहां पर भागदौड़ मच गई। हालांकि वहां पर जितने भी लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और वहां के पुलिस इंस्पेक्टर का कहना ये है कि जल्द से जल्द इनसे जानकारी निकाली जा रही है। और भी आई होप गाइस आप लोग को जानकारी काफी ज्यादा अपडेटेड लगी होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय, टेक केयर, नमस्कार।